रविवार को एयरपोर्ट स्थित कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव को देखते हुए चीवी अस्पताल के 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में चीवी एवं सामान्य बाल रोग विभाग में 20 बेड वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड तथा 20 बेड का जनरल वार्ड स्थापित किया गया है। इसी को परखने एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान कोविड से प्रभावित मरीज को एम्बुलेंस से लाया गया, उसे तत्काल पीपीई किट पहने चिकित्सक ने मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग कर ऑक्सीजन लेवल चेक किया, मरीज को गंभीर पाए जाने पर वेंटिलेटर पर लेटाकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की गई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कोविड की तैयारी को लेकर समय समय पर मॉक ड्रिल कराया जाता है, किसी प्रकार का आपदा आने पर कोई कमी ना रह जाए, जिससे मरीज को परेशानी ना होने पाए और अस्पताल की पूरी टीम आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान समय समय पर गुणवत्ता परखा जाता है, साथ में जो उपकरण लगे होते हैं ऑक्सीजन प्लांट वेंटिलेटर और जो भी लॉजिस्टिक्स है उसकी गुणवत्ता और उपलब्धता को चेक किया जाता है तथा कर्मचारियों को क्रियाशीलता को देखा जाता है। वही ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर बीएम राव ने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है, इसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी अस्पताल को सुविधाएं दी हैं आपातकाल में अच्छी तरह से निपटा जाए। मॉक ड्रिल होने से डॉक्टर नर्स और कर्मचारियों का रिहर्सल हो जाता है ताकि किसी आपातकाल में वह अपनी तैयारी में रहें। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमएस डॉक्टर ए के वर्मा, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर एन के द्विवेदी, डॉक्टर शिखा सिंह, एचआर त्रिपाठी, शैलेश गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर बी एम राव ने कहा, क्लिनिक एजेंसी तुम्हारी काम कर रही है? अच्छा, क्लिनिक काम कर रही है। ये वाले कौन से? ये और कौन से? नहीं, ज़्यादातर यही लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप किनारे हो जाइए, पीपी किट नहीं पहने हैं, किनारे हो जाइए। नाम बताओ। कोई परेशानी हो रही है? Thank you.
सब बहुत हो गया। सीएमओ जो है जिला अस्पताल में नाम लेने के कारण जो है जिला अस्पताल में हमने लगा रखा है। और एक एडिशनल देखिए, मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि अपनी कमियों को उजागर करना और आत्म अवलोकन करना कि अगर हमसे सुधार में कोई कमी रह गई है तो हम उसका आत्म अवलोकन करें, उसका पुनरीक्षण करें और उस कमी को हम आपदा की स्थिति में दूर कर सकें। सरकार इसी उद्देश्य के साथ मॉक ड्रिल कराती है और जो हम अपने सभी चिकित्सा कर्मियों को जो ट्रेनिंग दिए हैं उनकी गुणवत्ता को परखा जाता है। इसीलिए आप देखने देखा होगा कि हमने एक जो है डमी मरीज़ बनाया गया, उसको एम्बुलेंस से लाया गया, उसको देखा गया तो कितनी देर में वो यहाँ से वहाँ आया। तो इसमें हम लोग जो है समय समय पर गुणवत्ता परखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1:36 में हमारा मरीज जो है वार्ड में आ गया है और उसे जो है उपचार शुरू कर दिया गया। साथ में जो हमारे उपकरण लगे होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उनकी गुणवत्ता परखी जाती है, उनकी उपलब्धता को चेक किया जाता है, कर्मचारियों की क्रियाशीलता को देखा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको किया है और उसको किया। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अब की बताया गया है कि मंकी पॉक्स की जो संभावना प्रबल की जा रही है, भारत में भी जो है 2-3 केस मंकी पॉक्स के निकल चुके हैं, तो इसके लिए एक मंकी पॉक्स वार्ड का भी यहाँ पर सृजन किया गया है जिसमें 5 बेड नीचे हैं, उसको हम लोगों ने भी बनाया है। तो यही चेक करने के लिए हम लोग जो है इसको करते हैं। और संभवतः जो है अभी हमारे मंडल के जो प्रभारी हैं और एडी साहब जो हैं इसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो जो कमियां हम लोगों को बताएंगे उसको हम लोग भविष्य में खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में जब कभी ऐसी कोई बीमारी आती है तो हम उसको मरीजों को उसका सामना न करना पड़े, हम लोग जो है अच्छी तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल को संपादित किया है। हाँ, वो तो टीम है ही, 8 आवरली पूरी टीम होती है। तो पूरा इसमें प्रोसेस होता है कि हमारी जो है 8-8 घंटे पे जो टीम काम करेगी, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी, जो हमारी औषधियाँ लगती हैं उन औषधियों की गुणवत्ता चेक की जाती है, उसमें कोई नियर एक्सपायरी की तो नहीं है, जो भी लॉजिस्टिक्स लगते हैं, डिस्पोजेबल्स लगते हैं, उनको स्टॉक वेरीफाई किया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपी किट, N95 मास्क, हमारे पास ग्लव्स, शू कवर, हेड कवर, और इसके साथ साथ जो हमारे वेंटिलेटर्स जितने हैं, जितने हमारी HFNCs हैं, जितने हमारी बाईपैप और सीपैप हैं, उन सब की क्रियाशीलता चेक की जाती है और औषधियाँ देखी जाती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा होता है उसकी क्रियाशीलता और गुणवत्ता को देखा जाता है, और जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन आई है तो उसको चेक करते हैं कि उसमें कहीं कोई बाधा या अवरोध तो नहीं है,
और साथ ही साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी स्किल को जांचा परखा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। डॉक्टर बी एम राव, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूं यहां पे जो है। ये मॉक ड्रिल जो है समय समय पे जो है सरकार द्वारा मॉक ड्रिल चलाया जाता है, इसका मेन मकसद यही है कि हम जो सरकार ने जो भी सुविधाएँ दे रखी हैं, जो भी कभी ऐसी स्थिति आई, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास जो भी उन्होंने जो है सामान दिए हैं, वेंटिलेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट दिए हुए हैं और जो भी दवाएं दी हैं, इनकी क्रियाशीलता बनी रहे, इसी लिए जो है समय समय पर मॉक ड्रिल कराई जाती है। हमारे जितने स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं, वो भी जो है समय समय पर मॉक ड्रिल होने से वो थोड़ा सा जो है इसमें उनका एक तरह सा रिहर्सल हो जाता है और वो इसके लिए कभी अगर जो ऐसी स्थिति आई तो वो इसके लिए तैयार हैं। हाँ, सबकी टीमें, सारी टीमें बनाई जाती हैं, सभी जो है सबको टीम बनाई जाती है, उसमें डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स सभी को जो है ड्यूटी लगाई जाती है और ये राउंड द जो है पूरी ड्यूटी लगाई जाती है 24 घंटे की, कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए लोग तैयार हैं।